हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे बालों में कर्ल करना। ये रोजिया की प्रोफेशनल हेयर स्टिक कर्लर है, इसको चॉपस्टिक भी बोलते हैं। यहाँ पे इसकी स्विच है ऑन ऑफ की। फर्स्ट हम लोग टॉवल ड्रैप कर लेंगे जिससे कि हम लोग को बॉडी में कोई हीट नहीं लगेगी। सेकेंड हम लोग बाल में अच्छी तरह से कॉम कर लेंगे, बिल्कुल टेंगल फ्री। फिर इसको हम लोग मिडिल से दो पार्ट कर देंगे और ईयर टू ईयर पूरे हम लोग चार भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे और फिर हेयर क्लिप की मदद से इसको होल्ड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे सीरम यूज करूँगी। आप चाहे तो एलोवेरा जेल या हेयर प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। ये लिलियम की सीरम है, इसको लेंथ में ही अप्लाई करेंगे, स्केल्प में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हल्के हल्के हाथों से पूरे लेंथ में, जिससे कि हम लोग की कर्ल एकदम क्लीन दिखेंगी। फिर इसको अच्छे से कॉम करके पतला पतला हम लोग सेक्शन निकाल लेंगे। ये कर्लर सिरेमिक प्लेट्स के साथ आता है जो आपको लंबे समय तक टिकने वाले कर्ल देता है। यह सबसे बेहतरीन कर्ल करने वाली मशीन में से एक है। इस तरह से आप पतला पतला सेक्शन लेके ये 3 सेकेंड में ही गर्म हो जाता है और 5 से 7 घंटा इसका कर्ल रहता है। बहुत कम टाइम में ये अच्छे से कर्ल हो जाएगा। आपके पास बहुत कम समय है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपकी समय नहीं लगेंगे। मैं यहाँ हाफ बाल में ही कर रही हूँ, आप चाहे तो पूरे बाल में भी कर सकते हैं। इस तरह से पतला पतला सेक्शन लेके बहुत अच्छी तरह से कर्ल हो जाते हैं, बिल्कुल मैगी कर्लर की तरह। फ्रंट में भी हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।